राइट आई का नज़ार तो आपने देख ही लिया है, आइए आज इसके चैप्टर टू को भी कंप्लीट कर देते हैं, लेफ्ट साइड वाला आई। तो आज की हमारी जर्नी है लेफ्ट आई की, और वहां जाने के लिए मेरे पास है स्ट्रॉन्ग मूड, टैंक फुल बाइक और उसकी चाबी। अब रास्तों में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने रास्ते बता दिए हैं। बस इतना जान लो कि सिटी के किसी भी कोने में हो तो आपको वहां से सीधे एटापाली चौक पहुंचना है। एटापाली फ्यूल पंप से लगे हुए रास्ते को कैसीर रोड कहा जाता है। बस और क्या, इसी कैसीर रोड के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आपको पीतापाली चौक पहुंचना है। देखा, बड़े जल्दी पहुंचा दिया ना। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है ये आपको ATIF बताएगा। Hey, what's up guys? एक नया दिन, नया मौसम और नए ट्रेस के साथ हाजिर आपका भाई फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राइट डाइक का खूबसूरत नज़ारा देखा था, तो जिन लोगों ने राइट डाइक वाला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके इस तरफ जाएं, और जिन लोगों ने देख लिया है वो मेरे साथ इस तरफ आए। लेफ्ट बैक जाने वाले सभी दर्शक कृपया अपने दिमाग की पेटी बांध लें, क्योंकि यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से आपका दिमाग विचलित हो सकता है या ठंडी हवाओं के थपेड़ों से आप आनंद की चरम सीमा पे जा सकते हैं। कुछ खूबसूरत नज़ारों को देख के आपका दिल बाग बाग हो सकता है, और सिनेमैटिक एंगल से यहाँ के सनराइज को देखने के बाद आपके अंदर एक नई जान आ सकती है। तो सावधानी जरूरी है, और मैं हूँ इस वक्त लेफ्ट बैक के पहले पड़ाव पे। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। तो मिलिए अयान काजी खान से। हे गाइस, और अयान काजी खान काजी भाई जो है मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों के बाद मिले नहीं भाई हम लोग। हाँ भाई, बहुत दिनों से हम लोग नहीं मिले थे। लॉकडाउन चल रहा था और बहुत दिनों से हम लोग नहीं मिले थे। आज करीब 2 महीना हो गया रहेगा ना। हाँ, 2 महीने के बाद मिल रहे हैं। 2 महीने के बाद मिल रहे हैं, वो भी मतलब बहाना हुआ कि आज ब्लॉग बनाने जाना है। प्लानिंग हुआ 2-3 दिन से भाई बोल रहे हैं, आज हो गया। हो गया, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। लेट्स गो। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमने गाड़ी को फुल ऑन स्पीड में दबाया और पहुंचे अपने पहले स्पॉट की तरफ। और यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ली। हे गाइस, अभी हम लोग रुके हैं एक छोटा सा स्पॉट में। यहाँ पर ही संबलपुर के बहुत सारे फोटोग्राफर्स लोग आते हैं शूट के लिए। और लेकिन ये आतिफ कहाँ चला गया? रुकना तो एक बहाना था, मुझे सुसु जो करने जाना था। तो जब तक मैं सुसु करता तब तक काजी ने सोचा क्यों ना आपको यहाँ के कुछ सिनेमैटिक व्यूज दिखा दिए जाए। चलो तो गाइस, ये जो आप रोड देख रहे हो ना, ये सारे रोड पे नवंबर दिसंबर के टाइम में इतने सारे पिकनिक वाले ग्रुप आते हैं, पिकनिक कैंप आता है, पूरे लाइन से यहाँ पर पिकनिक मनाया जाता है, दूर दूर से लोग आके, और ये नज़ारा ही इतना अच्छा है तो लोग तो आएंगे ही।
यह है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर मांझी द माउंटेन मैन आके पहाड़ काट रहा है रास्ता बनने के लिए। और इस तरफ है इंडाल्को। इंडाल्को अपने संबलपुर सिटी का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट है। कुछ बस्तियाँ और रोड के दूसरे साइड की बात करूँ तो आइए इधर दिखाता हूँ आपको क्या है। ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा, शांति है। तो गाइस हम लोग अभी फाइनल स्पॉट पे आ चुके हैं और मेरे आपके पीछे यानी जो नज़ारा है वो देखने लायक है। लेकिन अभी सूरज बादल घेर रहा है, फिर छोड़ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का सनसेट। ठीक है बेटा आतिफ, कैमरे के सामने तुम्हारे लफ्जों में थोड़ी हेर फेर होती है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम एक नए यूट्यूबर हो। ये जो रास्ता है हीराकुड टाउन से कनेक्ट होता है और ये गाय लोग हीराकुड जा रहे हैं अभी। मतलब आप अगर हीराकुड में रहते हो तो हीराकुड से अगर आ रहे हो तो इस रोड से भी आप सीधे इस स्पॉट पे पहुंच सकते हो, तो ऐसा है कुछ। तो दोस्तों वक्त हो गया है अब वो नज़ारा दिखाने का जिसका मैं और आप और बाकी सब लोग भी जिस नज़ारे को देखने के लिए खास इस जगह पर आते हैं। पेश है आपके सामने लेफ्ट टाइप का एक सिनेमैटिक नज़ारा। Guys, it's time to leave vlogging because it's time to feel the vibe. English आती है मुझे थोड़ी बहुत। और फिर हमने थोड़ी चिल भी मारी। फोटोज उठाए। थंबनेल्स भी बनाया। ठंडे पानी में पैरों को डुबा के वो वाली फीलिंग्स भी ली। वो वाली से मेरा मतलब है ऑसम वाली। जिस तरह हर कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है, उसी तरह हमारे भी इस लेफ्ट आइक की जर्नी का हैप्पी एंडिंग हुआ आपके साथ। सिटी से 7 किलोमीटर दूर हैं और बारिश गिर गया। इट्स नॉट हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ये देखो सीन्स। ओके